इसके बाद हम लोग को एसेट टर्नओवर निकालना होगा। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्लियर है, सेल्स बाय एसेट। देखो जिस चीज में भी टर्नओवर दिखाई देगा ना, उसका मतलब है सेल्स निकालना, ठीक है? तो टर्नओवर का मतलब ही है सेल्स। तो एसेट टर्नओवर बोलेगा इट मींस सेल्स ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय एसेट रहेगा। तो रेवेन्यू बाय एसेट मीन्स सेल्स बाय एसेट। रेवेन्यू भी हम लोगों को दिया हुआ है, एसेट भी हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों ने एसेट टर्नओवर निकाल लिया है। उसके बाद बोल रहा है रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला है एसेट टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब होता है हम लोग एसेट से सिर्फ कितना अर्न करते हैं, तो ये एसेट से कितना सेल करते हैं इनटू प्रॉफिट मार्जिन। तो मेरा एसेट टर्नओवर हम अभी निकाले, प्रॉफिट मार्जिन भी हम निकाल चुके थे, उससे हम रिटर्न ऑन एसेट निकालें। ये सारा निकालने के बाद इसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। इवैल्यूएशन का मतलब है ईयर आफ्टर ईयर हुआ क्या। तो ये खुद ही मतलब नोटिस करना एग्जाम में, पहले 22 था, फिर 24 है, फिर 27 है, फिर 23 हो गया। मतलब पहले ये 3 साल तक इंक्रीज हो रहा था, फिर ये अचानक से गिर गया। तो ड्रॉप इन प्रॉफिटेबिलिटी इन 15-16, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, ये जो प्रॉफिट है वो पहली बार गिरा ही है 15-16 में, ऐसा लिख देंगे। ये एग्जाम में इवेलुएट करके देखना पड़ेगा। उसके बाद एसेट टर्नओवर। देखो एसेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है ना, टर्नओवर का मतलब ऐसे फॉर्मूला वाइज तो हम लोग सेल्स समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पहले था 93, फिर 88, फिर 87, फिर 84। तो हम लोग देख सकते हैं लोअर एफिशिएंसी है 12-13 से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही हम लोग देख रहे हैं कि ये गिरते जाता है, गिरते जा रहा है। मतलब हम लोगों का एसेट टर्नओवर के केस में लोअर एफिशिएंसी है। रिटर्न ऑन एसेट, एसेट से हम लोग कितना अर्न कर लेते हैं, तो पहले 20, देन 21, देन 24, देन 19, मतलब 15-16 में आके रिटर्न ऑन एसेट भी फॉल कर गया है, ठीक है?